ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसूम सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलकंदनम वाग्मयमूर्तम जगत्पिबती विश्वसर्गं सर्गादि नवलक्षणं लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यटसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणलता श्री विशाखान्वितांश्च आजलाम्लम्बितभुजौ कंकावतारौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युधर्मपादौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चरा करुणयावतीर्णकरौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां समर्पिष्यं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकलं सुनीता सदा हृदय कन्दरे स्फुरतोष्यचीनन्दन जयतां स्वर्गौरूपमो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भुजौ श्रीराधा मदन्मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणाय नमः नारायण नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गतिजनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासो श्रीजीव मे कुरु मंद मगे दयान्तरा बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत प्रथम परिच्छेद मधुलीला का और 41वां अध्याय। पूर्व प्रसंग में श्री कविराज गोस्वामी पाद श्री जी गोस्वामी जी का परिचय और श्री जी गोस्वामी जी के ग्रंथों का परिचय सूची उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री जी गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के ऊपर अनेक अनेक आलोड़न पूर्वक अनेक अनेक रसचरणा पूर्वक टीकाएं की सात टीकाएं एक ही विषय के ऊपर सासा ग्रंथ उन्होंने कृपा करके प्रस्तुत किए हैं। कर्म संदर्भ प्रस्तुत किया, बृहत्कर्म संदर्भ प्रस्तुत किया, लघु दोष भी प्रस्तुत की, फिर उसके बाद में श्री भागवत संदर्भों में फिर से उसकी जो सर्वसंवादि सर्वसंवादि के ऊपर फिर से टीका और फिर उसके ऊपर भी उन सारे ग्रंथों के पूरे विवेचन को लेकर के फिर गोपाल चंपू जैसे ग्रंथ शूर उसकी रचना की। श्री जी गोस्वामी जी का योगदान बड़ा भारी है और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का उनके द्वारा एकत्रित किए गए जितने भी शास्त्र के प्रसंग थे प्रमाण थे उन सबों को कहीं क्रमबद्ध करके सोपानबद्ध करके उन्होंने प्रस्तुत किया। अब कह रहे हैं कि प्रथम वर्षरे अद्वितादि भक्तगण प्रभु ने देखिले कई नीलाद्रिगण श्री महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके विराजमान हुए। श्री महाप्रभु ने विक्रम संवत के हिसाब से
1566 विक्रमी में संन्यास ग्रहण किया और फिर इसके बाद में संन्यास ग्रहण करने के बाद में ये संन्यास ग्रहण किया ये मकर संक्रांति के दिन माने 14 जनवरी समय को वो मकर संक्रांति परमेश 14 जनवरी पड़ती है तो मकर संक्रांति के दिन श्रीमद् महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। विक्रम संवत में से 56 वर्ष यदि घटा दें 57 तो 56 या 57 कभी वो थोड़ा सत्तावन वर्ष घटा दें तो ईसवी सन आ जाता है और ईसवी सन में 135 वर्ष जोड़ दें तो शक संवत आ जाता है कुछ इस तरह से। तो तो मेरे चल रहा है ऐसे ही तो श्री महाप्रभु ने विक्रम संवत 1566 में मकर संक्रांति के दिन संन्यास ग्रहण किया। फिर 3 दिन बाद महाप्रभु घूमते घूमते जैसे तैसे शांतिपुर पहुंचे और शांतिपुर पहुंचने के बाद में वहां पर पर्याप्त समय रहे 15-20 दिन रहे। शची मां मिले, शची मां ने कहा कि जितनी देर मैं यहां पर हूं और निर्मल यहां पर है मैं एक अभिलाषा रखती हूँ, एक मेरी मांग है, एक अभिलाषा है, अपेक्षा है कि मैं ही रसोई करके निमाई को भोजन कराऊ, भिक्षा अब मेरे हाथ से होगी। तो उतने देर श्री शची माँ ने कितना बात्सल्य थे और श्री महाप्रभु ने शची माँ के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण की। ये माँ का पुत्र है, सारे जितने भी नवद्वीप के निवासी थे वे भी सब श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए और छिप छिप करके श्री विष्णु प्रिया के दर्शन कर रही है, सामने नहीं आ रही हैं, ये अपूर्व महाप्रभु का मर्यादा। फिर इसके बाद में शची माँ के साथ में विचार करके ये निर्णय हुआ कि महाप्रभु यदि वृंदावन जाने का जैसे इनको रट लगी हुई है, वृंदावन जाएगी तो वृंदावन बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए वृंदावन में जाकर के श्रीमद् महाप्रभु इस समय यहां पर तो रहेंगे नहीं, ठीक है रहेंगे, अब महाप्रभु को जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए अब जगन्नाथपुरी नीलाचल जाना चाहिए। तो फिर श्री महाप्रभु नीलाचल पर आए और नीलाचल में श्रीमद् महाप्रभु ने फिर वहां पर चैत्र की शायद एकादशी के दिन श्रीमद् महाप्रभु नीलाचल में जगन्नाथ जी की डोल जो डोल यात्रा है उस डोल यात्रा का दर्शन करेंगे, फूल डोल यात्रा का श्रीमद् महाप्रभु ने दर्शन किया। जाने में इतना समय लगा, माने वहां से जाएंगे पैदल जाएंगे तो उसमें भी इतना समय लगा, तो कुछ देर रहने के बाद में फिर महाप्रभु पर तो प्रथम वत्सरे अद्वैताद भक्तगण प्रभु ने देख ही ले कहीं नीलाचल गमन, पहले वर्ष में श्री अद्वैत इत्यादि भक्तगण उनके पास में श्री महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद में रहे। आपने 10-15 दिन तक श्री शची माँ उनके हाथ से भिक्षा ग्रहण की, फिर सब भक्तों की गोष्ठी उन गोष्ठियों को मिलाकर के सबके निर्णय को लेकर के सबके आदेश को ग्रहण करके महाप्रभु कह रहे हैं जैसे आप मुझे निर्धारित करेंगे वैसा मैं करूंगा, ऐसे मधुर वचन कहकर के है अपनी करेंगे अपने मन की, परंतु इतनी विलंबता इतनी है कि अपनी बात कैसे किसी दूसरे के मुंह में डाली जा सके ये बड़ी चतुराई है श्री महाप्रभु की, एक बहुत बड़ी विशेषता है ये कि अपनी बात को किसी दूसरे से कहलवा देना, शची माँ से खुद को संन्यास ग्रहण करना और शची माँ से भी हाँ करवा देना,
ऐसा लाल लपेट की ऐसी बाणी का ऐसा मधुर मधुर मीठा मीठा जाल फेंका, बोली माँ मैं तेरा पुत्र हूं, मेरे जीवन का कल्याण तू चाहती है, मैं कैसे उन्नति करूं, ये चाहती है कि नहीं? अब माँ तो कहेगी कि बेटा तेरा बेटे का कल्याण कौन मांगनी चाहेगी? बोली माँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा कल्याण किस बात में है? इस बात में है। और ये कह करके हाँ करवा दी, किसी किस तरह से शची माँ से हाँ करवा दी कि संन्यास की अनुमति माँ से ले ली। तो ये बड़े चतुर है, ऐसे इनको जाना है नीलाचल, और नीलाचल जाने के लिए अपनी बात को घुमा फिरा करके दूसरों के मन में ऐसा डाल देते हैं तो मन का जो हो छद्म आवर्तन वो ये छलिया भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये वृंदावन की जो उनके पूर्ण स्वभाव जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसके मन को कैसे आकर्षित किया जाए, ये उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो श्री महाप्रभु फिर नीलाचल पधारे और उन्होंने एकादशी के दिन उस समय श्री जगन्नाथ जी का विशेष रूप से दर्शन किया। फिर वहां पर रहे और रहने के बाद में फिर चैत्र के बाद में फिर वैशाख मास में एक महीने करीब रह करके एक महीने प्राय रुके होंगे श्री आदित्य श्री सारंग भट्टाचार्य के यहाँ पर। तब तक गंभीरा में नहीं आए क्योंकि सूक्ष्म में महाप्रभु को लेकर के सारंग भट्टाचार्य ही अपने घर में गए, तो उन्होंने कहीं व्यवस्था की तो श्री महाप्रभु वहां पर रहे। फिर इसके बाद में सबसे आदेश लेकर के श्री महाप्रभु वैशाख के मास में दक्षिण देश की यात्रा के लिए निकले और फिर वहां से लौटने के बाद में पर्याप्त समय लौटने के बाद में करीब दो वर्ष से ज्यादा दो तीन वर्ष लगे पौने तीन वर्ष कर लगे महाप्रभु को। फिर श्री महाप्रभु जब लौट करके आए जगन्नाथपुरी उस समय सब भक्तगण वो पतालक और गौर देश के बंगाल के जितने भी भक्तगण हैं वे सब महाप्रभु से मिलने के लिए फिर उड़ीसा आए हैं, श्री जगन्नाथपुरी आए हैं। तो रथ यात्रा देखी ताहा रोहिल चार मास, रथ यात्रा देखने के बाद में श्री महाप्रभु ने चार मास रहे और चार मास रहने के बाद में प्रभु से नृत्य की परम उल्लास, सारे भक्तगण महाप्रभु से जब मिले उस समय नृत्य की परम उल्लास को प्राप्त कर रहे हैं और श्री महाप्रभु ने बेलाय समय प्रभु कहिल सहारे प्रत्येक आसन के समय को नीचा देख पा रहे। जब पहली बार सब लोग बिला हो रहे हैं नवद्वीप के लोग गौड़ियागण गौर देश के जितने भी निवासी हैं वे सब लौट रहे हैं उस समय श्री महाप्रभु ने कहा कि गुंडीचा दर्शन करने के लिए अर्थात रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए सभी लोग प्रतिवर्ष आना। ये महाप्रभु ने सबसे प्रार्थना की कि रथ यात्रा के लिए आना, आप लोगों से भी मिलना हो जाएगा, ऐसे मधुर वचन और सब लोगों के लिए उल्लास। महाप्रभु से मिलने का जो उल्लास है वो और भी ज्यादा है, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का उल्लास तो है, मतलब महाप्रभु से मिलने का उल्लास बहुत ज्यादा है। इसका वर्णन वो आगे प्रसंग में आएगा कि गौड़ी जितने भी निवासी हैं वे सब आ रहे हैं और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने से होकर के निकल रहे हैं परंतु जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा रहे, बस वही जो स्तंभ हैं उनके सामने ही गर्व स्तंभ उनके सामने प्रणाम करके दंडवत करके और सब चले जा रहे हैं और सीधे दौड़ रहे करके गोलगुंडचा मंदिर जाने के श्री गंभीरा मंदिर वहां महाप्रभु के पास में जाने की दौड़ लग रही है। तो महाप्रभु से मिलने का उल्लास बहुत ज्यादा है। तो बेलाय समय प्रभु को ही सहारे चार महीने तक सब भक्तगण रहे। फिर बिला के समय श्री महाप्रभु ने कहा कि प्रत्येक आसन के समय गुरु विचार देख पा रहे कि प्रतिदिन सब लोग प्रतिवर्ष
सब लोग रथयात्रा का दर्शन करने के लिए आया हो। प्रभु का आज्ञा भक्तगण प्रत्यंत आशीर्वाद, प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके भक्तगण प्रति वर्ष आवे हैं। और गुंडीचा देखिया यहां प्रभु मिलिया, इस प्रकार चार महीने प्राय महाप्रभु के पास में रह करके गुंडीचा दर्शन करके प्रभु से मिल करके फिर सब लौट जाते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने 20 वर्ष तक आना जाना किया। गौरी भक्तगण 20 वर्ष तक निरंतर आते जाते रहे, कोई कोई आता था 20 वर्ष तक हमेशा। गौरी बोले जब भी रथ यात्रा होती है रथ यात्रा का सब लोग आने रहे। अन्यों ने दुहार देखे बिना नहीं स्थिति, क्योंकि गौरी वैष्णव और श्री महाप्रभु और उड़िया के जितने वैष्णव वे सब एक दूसरे को जब तक नहीं देखते हैं तब तक उनकी गति नहीं, दोनों की परस्पर बहुत ज्यादा फैलती है। तो उड़िया गौरिया दोनों प्रकार के वैष्णव बने हैं, उड़िया के निवासी और गौर देश के निवासी, नीलाचल के निवासी और नवद्वीप के निवासी। नवद्वीप है बंगाल में और नीलाचल है उड़िया उड़ीसा में। दोनों के निवासी हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं, परम प्रीति है। और उड़िया गौड़िया मिलन तो बहुत प्रसिद्ध है, श्री जगन्नाथ जी मंदिर में रथ यात्रा के पूर्व उड़िया गौड़िया मिलन वो तो प्रमुख एक उत्सव है। तो वो उत्सव आज वही भाव जो जो दर्शन करते हैं वही का वही भाव कहीं सामने प्रकट होता है जिन्होंने दर्शन किए। इस प्रकार आनंद पूर्वक श्री महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अब शेष आर ये रहे द्वादश वर्ष। इस प्रकार बाकी जो 12 वर्ष रहे उन 12 वर्षों का माने 18 वर्षों में जो 24 वर्ष हैं उन 24 वर्षों में बाकी के 6 वर्ष जो है वो 6 वर्ष तो निकल गए रहे 18 वर्ष। 18 वर्ष में भी 4 वर्ष श्री महाप्रभु का आना जाना रहा, सब लोगों का आना जाना रहा। इसके बाद शेष के जो 12 वर्ष हैं श्री महाप्रभु की लीला के शेष के 12 वर्ष उस समय कृष्ण विरह लीला प्रभु रहता, श्री महाप्रभु के हृदय में विरह की जो लीला है वो प्रकट हो गई। श्री नवद्वीप में महाप्रभु का विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के पहले जो स्वरूप है वो गौर नारायण स्वरूप है। उस समय सारे अवतार सारे भाव श्री महाप्रभु विराजमान और प्रेम का भी उदय होने लगा। फिर इसके बाद में संन्यास ग्रहण करने के बाद में श्री महाप्रभु का जो स्वरूप है वो विरहिणी स्वरूप है, विरहिणी राजा का स्वरूप। 6 वर्ष तक और 6 वर्ष के बाद में फिर 4 वर्ष तक माने पर्याप्त वर्ष तक माने ये समझिए करीब करीब के करीब 10 वर्ष तक श्रीमद महाप्रभु का जो स्वरूप है 12 वर्ष तक का महाप्रभु का जो स्वरूप है वो 12 वर्ष का स्वरूप कहीं उनका विरहिणी राधिका का स्वरूप है। वो पीछे के जो 12 वर्ष है वो पीछे के 12 वर्ष को उन्मादिनी राधिका स्वरूप। तो महाप्रभु के 3 स्वरूप गौर नारायण स्वरूप, फिर विरहिणी राधिका स्वरूप और फिर उन्मादिनी राधिका स्वरूप, ये सारे स्वरूप विराजमान। तो 12 वर्ष की लीला और 12 वर्ष की पीछे लीला 24 वर्ष की दोनों लीला है। इनमें पीछे के 12 वर्ष तो बिल्कुल उन्माद में व्यतीत हुए और उसके 24 में जो आधा है 12 वर्ष का जो समय उसमें 6 वर्ष घूमने में निकला और 6 वर्ष उन्माद में शिव महाप्रभु के विराजमान उत्पन्न विराजमान। तो शेष ये ही रहे द्वादश वत्सर, पीछे के जो 12 वर्ष हैं वो 12 वर्ष अत्यंत अत्यंत उन्माद के हैं। कृष्ण ग्रहण लीला प्रभु अंतर, श्री प्रभु के भीतर उसके हृदय में प्रभु के हृदय में उस समय श्री विरह लीला जो है वो परपूर्ण रूप से विराजमान रहे। निरंतर रात्रि दिन विरह उन्माद है,
पीछे के बारह वर्ष में श्रीमद् महाप्रभु निरंतर विरह के उन्माद में विराजमान रहे, हंसे काटे नाचे गाए परम विशाल है। और श्रीमद् महाप्रभु हंसते हैं, पुकारते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, विशाल जो है उनको प्रकट करते हुए ही विराजमान होते हैं। श्रीमद् महाप्रभु की पीछे की जो लीला है वो ऐसी उन्माद में लीला उनकी विराजमान है। ये काले कालीन जगन्नाथ दर्शन मन भावे कुरुक्षेत्र पयाची मेलन, जिस समय श्रीमद् महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करें मन भावे कुरुक्षेत्र पयाची मेलन, उस समय श्री राधारानी को जैसे यही लग रहा है कि मैंने मिलन प्राप्त किया है, कुरुक्षेत्र का मिलन प्राप्त किया है, उस भाव से ही श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की में श्रीमद् महाप्रभु का जगन्नाथ जी का दर्शन करना वह तो है जैसे कुरुक्षेत्र मिलन, और रथ यात्रा में विराजमान होकर के जब श्रद्धा वाली जो शहर में ही श्रीमद् ब्रज प्रेम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दे, ऐसी बालुका जहाँ की विराजमान है, वो जो गुंडीचा का जो स्थान है श्रद्धा वाली, वो जो बालुका का स्थान है वो श्री वृंदावन है, जैसे श्री कृष्ण वहां से पधार करके वृंदावन आ गए, इस तरह से श्री महाप्रभु विराजमान हो रहे। पर जगन्नाथ जी मंदिर में जैसे गर्भ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के श्रीमद् महाप्रभु दर्शन करते हैं, मानो श्री राधारानी किसी कुरुक्षेत्र में जो गुल्म लताएं हैं उस गुल्म लता के पीछे खड़े होकर के प्यारे का दर्शन कर रही है, इस तरह से दर्शन करते हुए श्रीमद् महाप्रभु उसी भाव से विराजमान। और उस भाव में श्री महाप्रभु को जो दर्शन हो रहा है और किसी का दर्शन, सुभद्रा जी का भी दर्शन नहीं है, बलभद्र का भी दर्शन नहीं है, वहां पर केवल कृष्ण का दर्शन करते हुए विराजमान। जहां भोग मंडप के महाप्रभु चौखट का सहारा लेकर के, भीत का सहारा लेकर के विराजमान हो, उनके श्री हस्त के अंगूठे के चिन्ह, वहां पर उंगलियों के अंगूठे के चिन्ह जहां पर विराजमान है, वहां से यदि दर्शन किए जाए तो केवल श्री कृष्ण मुख दर्शन होगा, श्री बलदेव मुख दर्शन भी नहीं होता है। तो वहां पर जैसे राधारानी छिपकर के वृक्ष के ओर में दर्शन करते हुए विराजमान, उसी भाव में विराजमान और उसी का ही दर्शन, उसी का ही संकेत श्री कल्याण गोस्वामी जी कर रहे हैं कि ये काले कौरे जगन्नाथ दर्शन, जिस समय श्रीमद् महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, उस समय उनके मन में मन भावे कुरुक्षेत्र पाया छी मिलो, उस समय यही मन में अभिलाषा कि मैंने कुरुक्षेत्र में प्यारे का मिलन प्राप्त किया है, और ये मिलन समृद्धिमान संयोग है। उस समृद्धिमान संयोग को संयोग के चार स्वरूप हैं, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धिमान, चार विरह और चार मिलन। पूर्व राग के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो है संक्षिप्त, मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो है संकीर्ण, प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो है संपन्न। ब्रज में प्रवास क्या है, वो श्याम सुंदर का गैया चराने के लिए जाना और संध्या के समय अपराह्न काल में गैया चरा करके लौट करके आना, वही मानो प्यारा परदेश से लौट करके आया, उस समय ब्रजवासियों का जो आनंद है वो संपन्न संयोग है, संभोग है। और दूर प्रवास के पश्चात जहां प्यारा लौट करके आए और उस समय जो आनंद की अक्षयता प्यारे में भी और प्रिया में भी, उसका नाम है समृद्धिमान संयोग। उसका लक्षण उज्ज्वल निर्मणि में वर्णन किया समृद्धिमान संयोग का, पीछे वाले महाप्रभु इसी समृद्धिमान संयोग में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, श्री महाप्रभु का श्री जगन्नाथ जी का श्री कृष्ण का जो दर्शन कर रहे हैं राधा में इसी भाव में करते हैं कि दुर्लभा लोकियो युगो पारतंत्र्या वियुक्तयो संभोगात रेगो यह उच्चते स समृद्धिमान, दुर्लभ आलोक्य
कि प्यारे का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया था, क्योंकि प्यारा आना तो चाहता है पर तो आ नहीं पाता है, परदेश में जाकर के वो परतंत्र हो गया, परिस्थितियों के ऐसे वशीभूत हो गया है कि वो लौट करके नहीं आ पा रहा है। और उस समय जैसे तैसे जब वो लौट करके आता है तो उस समय संभोग आते हो गया। उस समय श्री किशोरी जी उनका श्याम सुंदर के साथ में श्री राधा रानी का जो मिलन है, उस मिलन के आनंद का ठिकाना नहीं। दूर प्रवास के पश्चात प्यारा लौट करके आया है और उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं। तो संभोग की जो अक्षयता उस समय विराजमान, उस संभोग का नाम है समृद्धिमान संयोग। तो पूर्व रात के पश्चात के मिलन का नाम है संक्षिप्त, मान के पश्चात मिलन का नाम है संकीर्ण, प्रवास के पश्चात मिलन का नाम है संपन्न, और दूर प्रवास के पश्चात मिलन का नाम है समृद्धिमान संयोग। यहां पर वही संभोग समृद्धिमान संयोग का श्रीमद् महाप्रभु निरंतर निरंतर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। पहली बार तो श्रीमद् महाप्रभु आप जब गए उस समय तो सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर में जो गर्भगृह है उस गर्भगृह में घुस गए और वहां मूर्छित हो गए। फिर महाप्रभु ने नियम कर लिया कि अब भीतर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां मूर्छित हो जाए, आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े, तो फिर दोबारा नहीं गए। फिर जब भी दर्शन करते तो वहां पर जो श्री गरुड़ ध्वज है नाट्य मंदिर के भी बिल्कुल छोर पर कोने में श्री भोजन मंडप भोग मंडप जो है वो भोग मंडप के सामने श्री गरुड़ स्तंभ, उस गरुड़ स्तंभ के पास में खड़े होकर के ही श्री महाप्रभु वहां से दर्शन कर। जैसे कहीं छिपा हुआ जो माननीय भाव है वो माननीय भाव भी श्री महाप्रभु में विराजमान है, राधा रानी में विराजमान है कि अच्छा हम तो इतनी दूर हमसे कह करके और हमको दर्शन नहीं दे रहे हो, अब दर्शन दे रहे हो, ये जो माननीय स्वरूप है वो श्री प्रिया जी का उस समय विराजमान हो रहा है कि कुरुक्षेत्र में जैसे मिलन प्राप्त किया है। रथ यात्रा आगे दर्शन पदमात्र करे गायन, श्री महाप्रभु जिस समय आदेश प्रदान कर रहे हैं बोले अभी सखी श्याम सुंदर को जल्दी से रथ के ऊपर विराजमान करके वृंदावन ले चलो, क्योंकि अन्य हृदय मन मन बोल मन वृंदावन मौने बौने एक करे माने तहा कुमार पद द्वय करा यदि उदय तभी तुम्हार पूर्ण कृपा माने। बोले प्यारे यदि कोई ये कहे कि यहां पर कुरुक्षेत्र में मैं राधिका भी हूं, यहां पर तुम श्याम सुंदर भी हो, एकांत बन भी है, वसुदेव जी यज्ञ कर रहे हैं, इतने गाने बजाने वाले आए हैं, कहीं से वंशी भी उधार मांगी जा सकती है, मरी मुकुट की भी व्यवस्था की जा सकती है, चलो यहां पर ही रास हो जाए। तो श्री प्रिया जी यही कहती है कि यहां पर सखी रास नहीं हो सकता है। आगे शिव गोस्वामी के प्रकरण में कहेंगे प्रिय स्वयं कृष्ण सखी कुरुक्षेत्र मिलता तथा हम सारा था सुखम तथा पेंतर खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में वृंदा विपिन पुन्नायस पर रहती कि मेरा मन श्री वृंदावन में ही रास के लिए प्रवृत्त हो सकता है, वृंदावन के बाहर महारास नहीं हो सकता है, रासलीला नहीं हो सकती है। कोई ये कहे कुरुक्षेत्र की इस भूमि में कृष्ण भी हैं, मैं भी हूं, एकांत बन भी है, चलो श्रृंगार भी ब्रज जैसा धारण कर लेंगे, सारी नाटक मंडली आई हुई है कहीं से ले लेंगे, पर यहां पर रास नहीं होगा, धाम की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता। तो किसी के लिए बन का अर्थ बल होता होगा, परंतु मेरे लिए वृंदावन का अर्थ बल नहीं है, मेरे लिए वृंदावन का अर्थ है मेरा हृदय, अन्य हृदय मन, हृदय का अर्थ किसी दूसरे के लिए मन हो सकता है, परंतु मोर मन वृंदावन, मेरा लिए वृंदावन ये क्या है, मेरा मन ही वृंदावन है, वहां पर प्यारे तेरा दर्शन हो। अभी विश्व महाराज वर्णन कर रहे थे कि
श्री किशोर जो शांत प्रदेश के मानवीय मुद्रा धारण करके कहती है, प्यारे यदि तू ये कहे कि यहां पर रास हो जाए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश गोपी जो ने कभी मुंह भाया, यहां पर तुम जो अन्य वेश अन्य देश है अन्य वेश है अन्य परकर यहां पर रास करने की कहो तो कुरुक्षेत्र में रास नहीं हो सकता है। इसलिए जल्दी से प्यारे को रथ के ऊपर बैठा करके वृंदावन ले चलो, और श्री राधारानी के भाव में उसी समय श्री महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में जो नृत्य कर रहे हैं वो इसी प्रकार। अब यदि श्री राधारानी रूठ जाए तो जगन्नाथ जी का रथ ऐसा अड़ जाए कि श्री प्रताप रुद्र महाराज के हाथी वे पीछे से धक्का मार रहे हैं, परंतु तिल भर भी रथ आगे नहीं चले। परंतु जब श्री राधा धाम में नृत्य करते हुए महाप्रभु आप मानो अनुमति प्रदान करें और हाथियों को हटा करके महाप्रभु अपना जो उत्तरी है उसकी ही ईड़ी बना करके मस्तक के ऊपर रख करके अपने माथे से जगन्नाथ जी के रथ में पीछे से धक्का दें, रथ घर करके आगे बढ़ जाए, हाथी जल्दी कैसे। तो यहां पर भाव के अनुसार रथ चल रहा है, शिव महाप्रभु के हृदय में जैसा भाव है उसके हिसाब से मान आ जाए तो रथ रुक जाए, मान मोदन हो जाए तो रथ घड़ करके आगे बढ़ने लग जाए, ऐसे अपूर्व से विराजमान। तो रथ यात्रा आगे यदि करे नंतर रथ यात्रा के आगे जब नृत्य कर रहे हैं, और रथ यात्रा की विशेषता ये कि महाप्रभु ने अलग अलग संप्रदाय बना दिए हैं कि यहाँ पर श्री अद्वैताचार्य नृत्य करेंगे, यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे, यहाँ पर मैं करूंगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर वे, परंतु सबके मंडल में श्रीमद महाप्रभु नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं है कि एक संप्रदाय में महाप्रभु है तो दूसरी जगह नहीं है, प्रकाश भेद से श्रीमद महाप्रभु कायव्यूह नहीं है, वहां प्रकाश भेद है, प्रकाश भेद से श्रीमद महाप्रभु प्रत्येक स्थान पर नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो रथ यात्रा आगे जावे करें नर्तन तहां एक पदमात्र करे गायन, वहां पर श्री महाप्रभु इसी पदमात्र से गायन करते हैं, ये पद का गायन करते हैं जिसमें कि समृद्धिमान संयोग में प्यारे के स्वागत करने की उल्लास की भावना विराजमान है। श्री महाप्रभु गायन कर रहे हैं कि सेव प्राणनाथ पाई यहां लाल मदन दहन झुर गिन, बोले आज मैंने उन्हीं प्राणनाथ को प्राप्त किया, उन प्राणनाथ को प्राप्त कर लिया। अब प्राण